मंडे के दिन हम करेंगे बैक का वर्कआउट एज यूजुअल। बैक के वर्कआउट में मैं ये बताता हूँ कि मैं हर दिन मैं जो बैक का वर्कआउट की जो वर्कआउट होता है वो हम डिफरेंट करते हैं। आज जो हमारा क्राइटेरिया होगा वर्कआउट का वो हम करेंगे इक्विपमेंट में, मशीनों में करेंगे, क्योंकि जिससे पहले जो वर्कआउट किया वो हमने किया फ्री वेट्स में जैसे ओल्ड स्कूल में होता है। तो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले वर्कआउट करने से पहले हम करेंगे वार्म अप अच्छे से। बैक में हम लगाएंगे 30 रैप्स। जब 30 रैप्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम जाएंगे अपनी फर्स्ट वर्कआउट की तरफ। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब हम करेंगे अपना फर्स्ट वर्कआउट। फर्स्ट वर्कआउट में हम करेंगे रोइंग। रोइंग का जो आज हमारा जो फॉर्म है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आपने ये देखना है कि मैं कैसे परफॉर्म करवा रहा हूँ उस बॉय को। आप लोगों ने 6 kg की प्लेट डालनी है और आपने लेग्स बिल्कुल थोड़ी सी बैंड, थोड़ी सी चले आप लगाएं। और अच्छा, आपने अपनी जो बैक को पीछे नहीं लेके जानी, बिल्कुल आगे रखनी है और आगे, बस यहाँ पे रह के आपने अपने फिर सिर्फ आपके एल्बोस मूव करेंगे इसमें। ये देखें, जब एल्बो मूव कर रही है तो आपका जो जो लॉन्ग इसका जो बैक है वो नीचे से हिट हो रहा है, नीचे से विंग्स। ये देखें, ये फॉर्म होगी आपकी। इसी तरह आप इसके 12 रैप्स करेंगे, उसके बाद फिर हम 2 प्लेट ज़्यादा करेंगे, उसके फिर हम 10 रैप्स करेंगे, फिर हम 1 प्लेट ऐड करेंगे तो फिर हम इसके 10 रैप्स करेंगे। तो हमारा पहला वर्कआउट खत्म हुआ। फ्रंट लैट्स पुल डाउन। जिसके पास ये इक्विपमेंट नहीं है, जिसके पास फिक्स्ड है, तो फिक्स में आप लोगों ने गैप से पकड़ लेना है, ठीक है। और आपका फॉर्म यही होगी, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, बॉडी को आगे लेके जाएं, नहीं नहीं खुद आगे होकर बैठें और बॉडी के पीछे करें, ठीक है। ये आपका फॉर्म होगी और जो आपका जो बार होगी वो आपकी यहाँ तक आएगी। जो फिक्स्ड में जो जिसका दूसरा इक्विपमेंट है वो आप हाथ आपके बैक पे ऐसे आएंगे इस तरह एल्बो, और इस वाले में आपके एल्बो जो होंगे वो आगे की तरफ होंगे। ये मेक श्योर कर रहा हूँ मैं। एल्बो क्लोज, ठीक है। आपने इसके 8 प्लेट से इसके 15 रैप्स करने हैं, फिर 2 प्लेट्स ऐड करनी है, उसके 10 रैप्स करने हैं, फिर 1 प्लेट ऐड करनी है, 10 रैप्स करने हैं। ये हमारी जो फॉर्म होगी ये इस तरह लगाना है। हाथ जो होंगे बिल्कुल आगे तक फुल स्ट्रेट जाएंगे। कुछ लोग इसको बेंड करके रखते हैं, बेंड नहीं करना, आपने इसको फुल स्ट्रेट रखना है। अब हम करेंगे बैक में लैट्स पुल डाउन। जिसका फिक्स्ड है वो अपना जो फेस होगा वो इस साइड पे कर लेंगे, करके बताएं। दूसरा, जिनके इक्विपमेंट में ये बार नहीं है और साइड पे फिक्स्ड है तो वो अपना फेस इधर करके बैक पे लैट्स पुल डाउन लगाएंगे, ठीक है। इस तरह आप, और वो वेट डालेंगे 20-20 दोनों साइडों पे। उसके बाद वो 10 kg का वेट ऐड करेंगे, फिर 5 kg का ऐड करेंगे। जिनके पास ऐसा इक्विपमेंट है वो डालेंगे इसके ऊपर 10 प्लेट्स डालेंगे और उसके 15 रैप्स करेंगे। वो कैसे परफॉर्म करेंगे, चले हैं, ठीक है। ये पुल, और इसको थोड़ा सा और आपने इफेक्टिव करना है, तो आपने जब ऊपर जाना है तो आपकी जो एल्बोज आएंगी वो थोड़ा आगे की तरफ मूव हो जाएंगी। जब आगे की तरफ मूव करेंगे तो आपके जो विंग्स में जो स्ट्रेच है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा। ये देखें, ये फॉर्म 10 के बाद 10 प्लेट्स डाल के उसके बाद 2 प्लेट्स ऐड करेंगे, उसके बाद फिर 1 प्लेट ऐड करेंगे और 10 के 3 सेट्स करेंगे। अब हमारा है फोर्थ वर्कआउट। फोर्थ वर्कआउट में आपने ओलंपिक रॉड लेना है, इसमें 15 kg की प्लेट ऐड करनी है। इसमें हम 2 एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। वो कैसे करेंगे, 1 रोइंग करेंगे, 1 डेडलिफ्ट करेंगे। कैसे लगाएंगे मैं बताता हूँ आपको। क्लोज ग्रिप में करना है, ठीक है। लेग्स स्लाइटली सी बेंड होगी, चेस्ट को फुल ओपन, बैक बिल्कुल स्ट्रेट, चलने लगाएं। ये 1 रैप होगा और फुल डेडलिफ्ट फ्लोर पर टच करना है, यस, ऑल द वे बैक, यस। ये आपका 1 रैप होगा और टोटल आपने इसके 10 रैप्स करने हैं। इसमें वेट ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसके 10-10 के, जैसे 1 रोइंग का हो गया, 1 डेडलिफ्ट हो गया, तो टोटल हमारे 20 रैप बनते हैं, तो हमारा 1 सेट होगा। इसी तरह फिर हम इसके 3 सेट्स करेंगे और 30 सेकंड की ब्रेक लेंगे। 30 सेकंड की ब्रेक से ज़्यादा ब्रेक नहीं लेनी आप लोगों ने। अब हम हमारा होगा फिफ्थ वर्कआउट में आपने सिंगल आर्म डंबल लगाना है। वो कैसे परफॉर्म करेंगे, ये जो आपकी जो लेग है, जो पीछे की तरफ जो लेग है वो आपकी बिल्कुल राइट साइड पे आ जाएगी। साइड पे करें, मेरी तरफ, ठीक है, ताकि जो आपका पोजीशन है वो प्रॉपर एक्यूरेट होगी। जितना पीछे लेके जाएंगे आप डिसबैलेंस हो जाएंगे, आपने आपको बैलेंस करके फिर प्रॉपर एग्जैक्ट फॉर्म पे परफॉर्म करना, ठीक है। इसमें आपने 20 kg का डंबल से आपने इसके 10-10 के 2 सेट्स करने हैं, जैसे एक साइड से होगा, फिर दूसरी साइड से होगा, लगाएं। अच्छा, 20 के डंबल के बाद फिर आपने 24 kg का डंबल पकड़ना है, 30 सेकंड का रेस्ट लेना है, सेम एज इट इज आपने दूसरी साइड का इसका 10 रैप्स करने हैं। 24 के डंबल के बाद 28 का डंबल पकड़ना है और उसके बाद फिर 10-10 के हमने 3 सेट्स करने हैं इसके। तो अब हम करेंगे अपनी कोर का वर्कआउट में हमने स्ट्रेट बेंच पे स्ट्रेट में बैठ जाना है और होल्डिंग आपने पीछे से कर लेना है, अपने हाथ को होल्ड कर लेना है, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी। जब आपने लेग्स ऊपर आएंगी तो आपने अपने आप को बेंड करना है ऐसे, यस। 20-20 के हम 3 सेट्स करेंगे। जैसे हमारे ये 3 सेट्स कंप्लीट हो जाएंगे, इसके साथ ही हम गुड मॉर्निंग करेंगे। 1 कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, 1 स्ट्रेच हो रहा है, तो ये थोड़ा कॉम्बिनेशन हमने दोनों का रखना है इसका। इसके 20 रैप्स करके साथ ही फिर हम उसके, इसमें नो रेस्ट नहीं होगा इसमें,
ठीक है, ये 20 रैप्स इसी तरह सेम ऐसे लगा के हमारा सेकंड सेट होगा सेम एज इट इज, इसी तरह आपने इसके 3 सेट्स करने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम कार्डियो की तरफ जाएंगे, कार्डियो हम 7 मिनट वॉक करेंगे और 3 मिनट रनिंग करेंगे। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।